किसी ने कोई एग्ज़ाम मिस कर दिया 11th में, या फिर अच्छे नंबर उसमें नहीं, यार आपको लग रहा है कि यार मतलब अच्छा आपने नहीं किया लेकिन आप डिज़र्व करते थे, आपने फिर दोबारा भी एग्ज़ाम नहीं दिया उसका, तो इन दैट केस स्कूल के पास एक लिबर्टी है, एक फ्रीडम है, ठीक है। स्कूल रिजल्ट कमेटी मस्ट गिव मार्क्स क्राइटेरिया, उसके पास एक थोड़ी बहुत लिबर्टी है। अगर किसी ने अच्छा नहीं किया 10th क्लास में, मान लो लड़का बहुत अच्छा है लेकिन 10th में अच्छा नहीं कर पाया, तो उनके पास थोड़ी सी लिबर्टी है कमेटी के पास, वो मार्क्स क्राइटेरिया सेट करके उसके मार्क्स थोड़े बहुत एडजस्ट कर सकती है, ठीक है। स्कूल की अथॉरिटी के पास ये फ्रीडम रहेगी, है ना। कई बार प्री बोर्ड नहीं देता कोई, क्योंकि आजकल प्री बोर्ड हम लोग देते नहीं है, कई बच्चे नहीं देने जाते तो मार्क्स कट गए, तो स्कूल के पास इस केस में अथॉरिटी है। तो स्कूल को क्या करना है, बेसिकली लास्ट 3 ईयर्स परफॉर्मेंस इज द रेफरेंस, लास्ट के 3 साल की परफॉर्मेंस स्कूल की एक रेफरेंस बन सकती है। इन दैट केस ओवरऑल परफॉर्मेंस स्कूल का चेक करना है। मान लो कि स्कूल का ओवरऑल परफॉर्मेंस कितना है, 2017-18 में 80% का परफॉर्मेंस रहा है, 18-19 में 85 का रहा है और 19-20 में 90 का रहा है, तो इसमें बेस्ट कौन सा है ये वाला, इसको क्राइटेरिया बनाते हुए वो मॉडिफाई भी कर सकता है। 5% की ऊपर नीचे मॉडिफिकेशन हो सकती है वो स्कूल के हाथ में, समझ में आ गया। तो 5% की मॉडिफिकेशन स्कूल के हाथ में रहेगी, तो आपको चिंता नहीं करना कि कल को मैंने, मान लो मैंने तो दिया ही नहीं है, मैं क्या करूं। तो इन दैट केस आपकी स्कूल अथॉरिटी से आप बात करना, वैसे उनको पता होता है आपके अच्छे ही मार्क्स आएंगे तो उनके पास ये मार्क्स होंगे, ठीक है। तो जो क्राइटेरिया 30% 30% और 40% का क्राइटेरिया ना, उसमें 5% प्लस माइनस करने का एक अथॉरिटी दिया गया है स्कूल को, वो आपकी परफॉर्मेंस के आधार पर है। कि आप मान लो कि आप कहीं पे आप बहुत अच्छे थे बट उस टाइम अच्छा नहीं कर पाए, दिन मान अच्छे नहीं होते, तो दैट केस स्कूल आपको मदद कर सकता है, ठीक है। वो आपको एक बार अपने टीचर से बात करके रखना कि मार्क्स बढ़ाने से पहले एटलीस्ट थोड़ा कम्युनिकेशन हो जाए, तो आप उनको रिक्वेस्ट कर सको थोड़ा सा देख लो, इन दैट केस आपको थोड़ी हेल्प हो सकती है, इन दैट केस, है ना। सो रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट ओवरऑल 31 जुलाई को आपका रिजल्ट आ जाएगा 2021 को, 31 जुलाई 2021 को रिजल्ट आ जाएगा। के वेणुगोपाल जो है बेसिकली, जो कि अटॉर्नी जनरल है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उन्होंने बताया कि भैया इस तारीख को, मतलब 31 जुलाई को आपका रिजल्ट आएगा।